हेलो हेलो पब्लिक, कैसे हो सभी लोग। सो यार, बहुत सारे स्टूडेंट की काफ़ी ज़्यादा क्वारी जा रही थी रिगार्डिंग द CUET PG के एप्लीकेशन फॉर्म एंड करेक्शन के रिगार्डिंग। हालांकि आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि CUET के जो एप्लीकेशन फॉर्म थे वो टिल 10 जुलाई तक क्लोज हो चुके हैं। उसका जो पेमेंट है वो टिल आप 11 जुलाई तक कर सकते हैं, अगर किसी ने पेमेंट नहीं किया हो। और अगर पूरा एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया हुआ है तो पेमेंट जो है 11 जुलाई तक आप कर सकते हैं। अब रही बात एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर करेक्शन की, राइट, ये एक काफ़ी अर्जेंट अपडेट है रिगार्डिंग द स्टूडेंट्स की, और एक क्वारी भी काफ़ी ज़्यादा है स्टूडेंट्स की। फर्स्ट ऑफ ऑल आज अपन कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि स्टूडेंट्स के द्वारा पूछे गए हैं रिगार्डिंग द करेक्शन, ठीक है। एंड यार कुछ जो है, एक स्टूडेंट की ये क्वारी थी, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा क्वारी थी कि भैया मेरे को अपना ईमेल आईडी चेंज करना है, तो ये क्या हो सकता है। और मैं पर्सनली आपको बताऊंगा कि अगर आप ये चेंज करते हो तो क्या इसका क्या सारा सीन है। देखो यार, आपने अगर ईमेल आईडी गलत भी डाल दी है देन आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है और घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपने जो भी ईमेल आईडी डाली है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बेसिकली, ठीक है। अब जैसे आपने, अगर आप बाय चांस जैसे आपको ईमेल आईडी चेंज करने का ऑप्शन नहीं दिया गया है करेक्शन के अंदर, लेकिन जैसे ईमेल आईडी के ऊपर ना तो आपका कोई अपडेट आने वाला है, ठीक है, ना ही कुछ भी नहीं आने वाला। अब आप ईमेल आईडी अगर किसी ने गलत डाला है तो वो क्या कर सकते हैं, वो यार स्टूडेंट जो है जैसे ही हमारा NTA रिजल्ट डिक्लेयर करता है तो हमें जो है हर यूनिवर्सिटी के पास जाना है और अपनी जो है डिटेल वहाँ पर स्मार्ट पोर्टल पर डालनी है, तो वहाँ पर जो है हमें चेंज करने का ऑप्शन दिया जाएगा काउंसलिंग के टाइम पर हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर, ठीक है, तो वो उस मोमेंट पे सोल्व हो जाएगा। अब रही बात, मेरे को यूनिवर्सिटी या तो ऐड करनी है नई यूनिवर्सिटीज, या फिर मेरे को यूनिवर्सिटी काटनी, तो मतलब हटानी तो बहुत कम स्टूडेंट को है, नई ऐड ही करनी है, काफी सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन था। एंड जो है बहुत सारे स्टूडेंट ने क्या हुआ था कि पहले एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया था, यानी कि मान लो जून के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट ने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया हो, मान लो किसी ने 20 जून को एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया और 25 जून तक जो है बहुत सारी कॉलेजेस नई ऐड हुई है, ठीक है, महाराष्ट्र के कुछ कॉलेजेज है, दिल्ली के, राजस्थान के कुछ कॉलेजेस नए ऐड हुए हैं। स्टूडेंट का ये कंसर्न है कि भैया हमने तो एप्लीकेशन फॉर्म पहले ही फिल कर दिया, अब जो है हम ये नई वाली कॉलेजेज हम लेना चाहते थे तो हम कैसे ऐड करें, तो यार वो जो है आप ऐड कर सकते हो इन द करेक्शन विंडो, ठीक है। एंड बहुत सारे जो कोर्सेज थे वो सारे कोर्सेज को हटा दिया गया था, या फिर बहुत सारे कोर्सेज जो है चेंज भी कर दिए गए थे, उनका कोड चेंज कर दिया गया था, बहुत सारे कोर्सेज में करेक्शन किया गया था, तो इसके रिगार्डिंग भी NTA का नोटिस है कि आप जो है उनको भी चेंज कर सकते हो, उसके अंदर करेक्शन कर सकते हो, ठीक है। अब एक ये वहाँ पर दिया गया था पॉइंट कि भैया आपको जो है चार्जेस देने पड़ेंगे एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर करेक्शन के, ठीक है, तो वो किस मोमेंट पे देने हैं यार चार्जेस, ठीक है, तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक रिलीज नहीं किया गया। जैसे ही 12 जुलाई को जैसे कल यानी कि करेक्शन विंडो ओपन होता है तो उसके साथ ही जो है NTA कुछ नोटिस रिलीज करेगा रिगार्डिंग द करेक्शन कि कब कितना चार्ज लगेगा, आप क्या क्या चेंज कर सकते हो, क्या क्या चेंज नहीं कर सकते, यूनिवर्सिटी कौन सी ऐड कर सकते हो, कौन सी नहीं कर सकते, कौन सा हम कोर्स ऐड कर सकते हैं, कौन सा नहीं कर सकते। अब जो है काफ़ी अर्जेंट अपडेट जो है रिगार्डिंग द CUET करेक्शन वो है डोमेन का, कि हमारा जो है डोमेन हमने गलत डाल दिया, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट को MSc में कोई अदर कोर्स करना था, उसने जो है पेपर कोड किसी और का डाल दिया, राइट, किसी ने जो है पेपर कोड में जस्ट लाइक लैंग्वेज सही से सेलेक्ट नहीं की, किसी को हिंदी करना था इंग्लिश कर दिया, राइट, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, आपको सारा का सारा फॉर्म जैसे आपने फिल किया था वैसा का वैसे ही आपको दिखने को मिल रहा होगा, आप उसमें जो है अपने हिसाब से सारी की सारी जो है चीज़ें जो है चेंज कर सकते हैं बिल्कुल CUET के एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर, ओके। अब जो है 2020 जो हमारा आने वाला सेशन है उसके लिए जो हमारी CUET की क्लासें जो है लगने वाली है इंडिया की बेस्ट फैकल्टी से, ठीक है, इंडिया की बेस्ट फैकल्टी से इंजीनियरिंग वाला ऐप के ऊपर अवेलेबल हो जाएगी। जितने भी लोग YouTube पे पढ़ा रहे हो, चाहे Unacademy पे पढ़ा रहे हो, चाहे कोई कितना भी बड़ा यूट्यूबर हो, कितने भी जस्ट लाइक बहुत ज़्यादा चार्जेस कर रहे हैं हालांकि वो लोग, ठीक है, हमारी तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि बिल्कुल नॉमिनल कॉस्ट के अंदर, बिल्कुल नॉमिनल कॉस्ट के अंदर बच्चों को पढ़ाया जाए, ठीक है। तो जस्ट आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो या फिर जस्ट न्यूज़पेपर वगैरह में डाल देखते रहना, ठीक है, कि इंजीनियरिंग वाले भैया कब अपने कोर्सेज लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। एंड आई एम हायरिंग द बेस्ट फैकल्टी रिगार्डिंग द CUET, तो जस्ट आपके रिलेटिव कोई हो तो जस्ट हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग द CUET कोर्सेज। और यार PG के रिगार्डिंग जो है,
पीजी के रिगार्डिंग हम जो है हर कोर्स के लिए हमारे पास फैकल्टी होगी, हर एक कोर्स का हमारे पास सॉल्यूशन होगा, ठीक है। क्योंकि अभी जो है ना मैं चेक कर रहा था, बहुत सारे स्टूडेंट की मेरे पास क्वारी जा रही थी कि भैया मैं जो है CUET के इस कोर्स में पीजी में मेरे को ये कोर्स करना है, मेरे को इसका सिलेबस ही नहीं मिल रहा, मेरे को इसका मटेरियल ही नहीं मिल रहा। और जो है CUET PG के बहुत ही कम सिलेबस कवर कराए जा रहे हैं, जस्ट लाइक यूट्यूब पर भी कुछ ही चैनल्स हैं, हालांकि मैंने देखा था 5 से 6 चैनल है जो कि प्रिपरेशन करा रहे हैं या फिर अपने बेसिक ऐप के अंदर पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो भी कुछ लिमिट के अंदर पढ़ा रहे हैं। जैसे UG के कुछ ही डोमेन को पढ़ाया जा रहा है, PG में तो बहुत सारी ब्रांचें बढ़ जाती है, तो जस्ट लाइक कोई भी उसको जो है प्रिपेयर नहीं करा रहा। सो आई विल ट्राई टू प्रोवाइड द बेस्ट एजुकेशन इन द इंडिया, ठीक है। तो जस्ट यार फुल सपोर्ट करिए, और आप जैसे लोगों का साथ है और आप जिस प्रकार से सपोर्ट कर रहे हो उस प्रकार से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एंड जो भी है जस्ट काउंसलिंग प्रोसेस अभी जल्द ही रिलीज किया जाएगा, ठीक है। तो मस्ट सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है। वो आप करते नहीं है बिल्कुल भी, 5000 व्यूज आते हैं कुछ यार सब्सक्राइब भी नहीं करते, राइट। तो मज़ा नहीं आता वीडियोज बनाने में, तो अगर सब्सक्राइब होंगे तो मज़ा आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल बता दूँ आपको मैं, ठीक है। अब जैसे जो है काउंसलिंग सेशन हम पूरा लेके आएंगे, हर कॉलेज का एक्यूरेट काउंसलिंग, ठीक है, किस पे कितने पे एडमिशन होगा, नहीं होगा, कहाँ पे होगा, कितना होगा, सारा का सारा 0 to Z तक हम चलेंगे, ठीक है। एंड इसके लिए जो है कुछ मेंबरशिप प्लान भी, फोन सपोर्ट, काउंसलिंग सपोर्ट एंड गारंटेड एडमिशन प्लान भी रिलीज किए गए हैं, ठीक है। तो जस्ट उनका भी आप लाभ ले सकते हैं। फ़ोन सपोर्ट आपको काफ़ी नॉमिनल चार्जेस के अंदर मिल जाएगा, जिसके अंदर आपकी कॉल पे या व्हाट्सएप पे फुल हेल्प की जाती है। काउंसलिंग सपोर्ट के अंदर जो हमारी टीम सारा का सारा काम करती है। गारंटेड एडमिशन प्लान के अंदर बेसिकली इंडिया के टॉप गवर्नमेंट के अंदर जो कॉलेज के अंदर हमारी जो टीम है वो ट्राई करती है कि प्रोवाइड देंगे एडमिशन, ठीक है। एंड दिस इज़ द फुल रजिस्ट्रेशन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंजीनियरिंग वाला कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड, दिस इज़ द रजिस्टर्ड एडुकेट कंपनी, ठीक है, एडुटेक कंपनी। और भी आपकी कोई CUET के रिगार्डिंग कोई क्वारी हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जैसे ही CUET के करेक्शन के रिगार्डिंग कोई भी नोटिस रिलीज होता है तो मैं ट्राई करूंगा कि मैं आपके लिए जरूर से जरूर वो लेके आऊं, ठीक है। थैंक यू।